Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज हम हैं लाहौर कॉलेज के फन फेयर पे, जहाँ पे आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे झूले हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खाने की चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो इस वक्त मुझे फॉलो कर रहा है. तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं फ़न, लोगों से पूछने वाले हैं सवाल और उनको देने वाले हैं लाहौर न्यूज़ की तरफ से इनाम. मगर बहुत दुख हो रहा है, नीचे गंद देखें ज़रा आप, बहुत ज़्यादा गंद है भाई यहाँ पर. तो आप लोग जब भी ऐसी जगह पर आते हैं, काइंडली जो है आप लोग थोड़ा सा ख्याल किया करें, गन ना मारा करें. आफ्टरऑल ये आप ही का कॉलेज है, इसमें आपने दोबारा से क्लासेस देनी है, पढ़ना है, सफाई का ख्याल रखें ताकि जो है गंद ना पड़े और आप लोग जो हैं वो एंजॉय करें. किस लोगों से बातें करते हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक. आपका नाम? मोहम्मद बख्श. माशाल्लाह, आपकी आंखें किस पर गई हैं? मामा. बड़ी प्यारी हैं. क्लास में सारे कहते हैं जी? वेरी नाइस. बेटा कौन सी क्लास में आप? थ्री में. आप मुझे बताएं, आज फन फेयर है, बीइंग अ प्रिंसिपल कैसा रहता है आपका यहाँ पे सारा टाइम? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय करते हैं हमारी एलसी के स्टूडेंट्स. बहुत ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है. जो डायरेक्टर हमारी स्टूडेंट अफेयर्स हैं मिस बुशा नदीम, वो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, मैं भी ऑर्गेनाइजर में हूँ. तो बहुत बच्चे आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. वेरी नाइस. चलिए जी, मुझे बता दें बेटा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, वो कौन सा बर्ड, आपसे आसान वाला कर लेते हैं, आप तो छोटे हो, मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? इतना छोटा सा होता है. स्पैरो से भी छोटा? कोई बात नहीं बख्श, क्या सुनाएंगे सॉन्ग? ये ले सॉन्ग. मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से, कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी. ऊंचा सा एक तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बितनी हुई बस्ती में जू मेरी आओना, लड़ो मुझे आओना. मैं हुआ से ही आज सर है मेरे, बस है काम आओना, लड़ो मुझे. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. लाहौर न्यूज़ लौड़ियां दी जाने. थैंक यू बाप. थैंक यू मैम जी. सबसे बात करते हैं जी, बड़ा मजा आया. हमने जो है बच्चे से जो है वो बहुत प्यार सॉन्ग सुना. ये जो है वो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका जो है ये बेटा है, और उन्होंने स्पेशल बताया कि ये बच्चा जो है उनका बहुत बड़ा जो है वो मेरा और मेरे प्रोग्राम का फैन है. बहुत अच्छा लगा सुनकर, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि इतनी लड़कियों में वो था और हर जगह पीछे से आवाज़ें आ रही थी. इसके बावजूद उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है वो सॉन्ग सुनाया, मुझे अच्छा लगा. और भी इस तरह जो है वो हम यहाँ के जो है वो लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि ये फन फेयर है आज यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है. थाउजेंड्स में जो है वो यहाँ पर लड़कियाँ हैं और एक से बढ़कर एक जो है वो शरारती है, तो देखते हैं हम कैसे बचते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? इरम शहजादी. शहजादी? हाँ. कैसे रखा नाम? मम्मा ने. नाइस ड्रेस. थैंक यू. कहाँ से लिया? ओरिगा से. ओके जी, मज़ा आया यहाँ पे? बहुत ज़्यादा. क्या क्या खास है यहाँ पे? म्यूज़िक और ये सारा कुछ. मैंने सुना अंदर लड़कियाँ डांस भी कर रही. हाँ जी, मैं भी करके आई हूँ. अच्छा, कैसा प्रॉपर डांस हो रहा है? भंगड़े? बस भंगड़े. ओके, दैट्स नाइस. एंजॉय किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा. चले सवाल करें जी. मुझे बताएं, चांद पर सबसे पहले कौन सा खेल खेला गया था? चांद पे? नहीं. के तो बड़े जवाब दे. बस ये नहीं आ रहा. क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाओगे?
असा यार मनोवना है असा नच के वखोवना है भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे येले थैंक यू वेरी वेरी नाइस लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू लाहौर न्यूज लाहौरिया दी जाने यू वेलकम बहुत प्यारी हैं बहुत स्वीट हैं मुझे बहुत पसंद है थैंक यू सो मच बेटा जी बहुत मजा आया हमने जो है वो इनसे सॉन्ग सुना और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियाँ हैं जो बकरी की तरह कह रही हैं मैं तो अब देखते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे किससे बात करते हैं और यहाँ पे जो है वो कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और आज के जो फन फेयर में मजे की बात जो हुई वो ये हुई कि मौसम ने इनके जो फंक्शन को है वो कहते हैं ना चार चांद लगा दिए अगर सन होता तो शायद ये इतना एंजॉय ना कर पाती ऐसा ही है yes! तो इस वजह से मौसम भी आज अच्छा हो गया है मैं भी बेटर फील कर रही हूँ वरना धूप में जो है मेरा भी जो दिमाग है वो गर्म होना शुरू हो जाता है तो खैर आज मौसम अच्छा है किसी और से बात करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम अरीज मुजम्मिल फातिमा नहीं कौन सी क्लास सिक्स फर्स्ट ईयर तो आप इनकी बहन हो कज़न है कज़न को लेके आई हो इंजॉय कराया इसको जी मज़ा आया बेटा जी क्या किया आपने यहाँ पे आप हमने बहुत सारा कुछ किया हमने सामने देखो हमने झूले भी लिए हमने खाया कौन सा झूला लिया हमने पैरट बोट भी लिया है हमने कार भी लिया है हमने जितने भी झूले सारे लिए अच्छा आप क्या चाहते हो कि ऐसे फंक्शन जो है वो कब कब होने चाहिए मेरे कहते हैं रोज़ होने चाहिए रोज़ होने चाहिए आप बताएं वैसे रोज भी हो तो अच्छा लेकिन जब एक काफी टाइम बाद होता है तो उसका ज्यादा इंटरटेन होता है यार इयररिंग्स बड़े अच्छे पहने जरा टीवी में दिखाएंगी आप चलो जी सवाल करते हैं कितने बड़े लोगों के बनाए हैं यानी कि हमारी एज के लिए नहीं है किस एज के लिए बनाए मदर्स के लिए अच्छा अच्छा टारगेट ऑडियंस उनकी आंटीज हैं राइट ओके ले मैं आस्क यू अ क्वेश्चन ओके सवाल करूं या मुझे बताओ बिल्ली मियाऊ क्यों करती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती है तो मियाऊ कर सकती है म्याऊं का मतलब क्या है वो पूछती है कि मैं आऊं म्याऊं वो तो मुझे बगैर ही आ जाती है मेरी बिल्ली तो नहीं पूछती बहुत बदतमीज है वो तो इजी क्वेश्चन कर लें अभी ये मुश्किल था अच्छा आप मुझे बता दो तुमसे आसान सवाल पूछ रही थी दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है इसका भी पता स्पैरो उससे भी छोटा क्या सुनाना है सॉन्ग और आपने ये सुनाई थी तू कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे थैंक यू वेरी नाइस क्लैपिंग करें इनके लिए लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट थैंक यू जी बहुत अच्छा जो है वो अभी करते हैं बहुत अच्छा जो है वो हमने इनसे जो है वो गाना सुना और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो शॉपिंग उन्होंने की है वो जो कपड़े हैं जो स्पेसिफिक उन्होंने मदर्स के लिए डिजाइन किए हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाम अमारा फातिमा फिजा तंजीला कौन सी क्लास सेकंड थर्ड ईयर बीएस ऑनर मजा आ रहा है बहुत ज्यादा डांस आज किया बहुत ज्यादा फुल एंजॉय सबसे अच्छा डांस कौन करता है ओह खुद बता रही हैं अच्छा चले जी सवाल करें जी मुझे बताएं आपके दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्तांबुल नहीं नहीं नो न्यूयॉर्क क्या सुनाना है सॉन्ग दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा मैंने जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हो
दम दम ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हम दम थैंक यू वेरी वेरी नाइस चलो जी इनकी एक अच्छी आदत बताओ ऑरेंज वाली की इनकी अच्छी आदत ये है कि ये कभी गुस्सा नहीं करती और ये जो है हमेशा खुश मूड में रहती है और ये बहुत ज़्यादा डांटती है मुझे मेरी सिस्टर है ये क्यों डांटती है बहना को मुझे कुछ कभी कभी गुस्सा हो जाता है कुछ गलत चीज़ें लगा गुस्सा किस बात पर जब मेरी बात नहीं मानती तो अच्छा झूला लिया यहाँ पे जी झूला लिया बहुत ज़्यादा ये वाले झूले कितने की टिकट है 100 की ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंसिव लगाई हाँ जी 50 के करने चाहिए थे कम से कम 150 में तीनों देख लेते 200 में तो जा रहा होगी ना आई मीन चार लोग झूला लोगे जी हाँ 200 में जा रही लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए नाम थैंक यू जी बहुत मजा आया हमने उनसे अभी करते हैं बड़ा मजा आया हमने जो है वो उनसे सुनी सॉन्ग सुना हमने उनसे और मजीद यहाँ पे जो है वो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं कोशिश करेंगे कि तमाम लड़कियों से बातें करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम वर्दा खान वर्दा क्या करते हो आईआर की स्टूडेंट हूँ बीएस कर ओके आपको इतनी मर्टी में लेंस में इचिंग नहीं हो रही नहीं बिल्कुल भी मुझे पता भी नहीं हो रहा लेंस अच्छा फील नहीं हो रहा चले जी क्वेश्चन करें आपसे मुझे बताओ एक आदमी है या कोई भी इंसान है उसकी पॉकेट जो है वो फट गई है तो उस फिर भी उसमें कुछ है वो क्या है कपड़ा क्या है पॉकेट फट गई लेकिन फिर भी कुछ है क्या सुनाओगी सॉन्ग सुना आँखों को तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन शिकायत है बिन चुए छू लिए है तूने मुझको दिए है प्यार के ये तराने जानिया ये जो अब हो रहा है कुछ जब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास वेरी नाइस लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट थैंक यू वेलकम जी नाइस लड़की थी और खूबसूरत भी थी और उसकी आवाज़ भी जो है वह बहुत प्यारी थी मगर आई एम सरप्राइज कि इतनी मट्टी में जो है वो लोग जो है लेंजेज लगा कर आए हुए हैं जबकि इतनी मट्टी में डेंजरस होता है वैसे सम टाइम मैं आप लोग मुझसे मशवरा मांगते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी गर्ल्स लेंस ना लगाया करो इट्स लुक वेरी टैकी ऑल द टाइम इतने बड़े बड़े लेंस लगा के आप लोग आ जाते हैं अच्छा लगता है लेकिन कोशिश क्या करें नेचुरल आइज बहुत खूबसूरत होती है आपने शायद मुझे कभी नहीं देखा होगा लेंस में हाँ सिवाय मेरी शादी के वो भी एक इवेंट पे लगाए थे ये कलर फुल आइज नहीं इतनी अच्छी लगती हैं जो आपकी नेचुरल खूबसूरती है तो कोशिश किया करें नेचुरल अपनी जो है वो आइज रखें और ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट्स में बिल्कुल शार्प शार्प पैरेट ब्लू इस तरह की जो है वो लेंस ना लगाएं किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मुकद्दस अकरम सामने देखें कौन सी क्लास में BS जूलॉजी 3rd semester ओके जी मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा क्या किया जब से आई हो तब से मोस्टली डांस में सिंगिंग में झूले लिए हैं स्टॉल्स वगैरह देखे हैं और खाया पिया है चलो जी सवाल करें आप यस मुझे बताएं आपके वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में इंग्लैंड छोटा सा वो जापान और कोई सवाल पूछने दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है हमिंग बर्ड क्लैपिंग करो अपने लिए अपने लिए क्या सुनाओ सॉन्ग तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां सोखा मेरे लिए न तेनू छड़ना तेरे बिना दिल नहीं लगना
सही जो है ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना, तेरी दीद मेरी ईद, तेरी होई मैं मुरीद, दम तेरे दमच में बना, एक पासे सारा जग सजना, एक पासे मेरा रब सजना, सुख मेरे लिए ना तेनू छड़ना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी, लड़की ने तो इस लड़की ये जो अभी पार्टिसिपेट जिसने किया था तो मेरे कान बंद कर दिए बोल बोल के, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। खैर अब इतने जब सारे लोग आ रहे हैं मेरी बारी कर रहे हैं तो मुझे क्या पता अब किसकी बारी आएगी, तो अभी देखते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है और तमाम लड़कियाँ ये मेमोरीज हैं इनको जो है वो इकट्ठा कर लो, ये बड़े होकर ज़रूर याद आएंगी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरे कॉलेज में फंक्शन था, आई वाज वेरी रेडी एंड ऑल, मैं बड़ा तैयार शार होकर गई, 10 मिनट बाद मैं गाड़ी में बैठी घर आ गई। मैं इतने माहौल में जो है वो ऐसे तंग हो गई थी, हाय मैं क्या करूँ। मगर आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कई घंटों से सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें, आप लोगों को मैं मौका दे सकूं, आप लोग भूजो तो जीतो में पार्टिसिपेट कर सकें, खुद का जो है वो टैलेंट दिखा सकें। जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं फिर वापस आते हैं और इन तमाम लड़कियों से बातें करते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, तो आए लड़कियों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आसिम खान। ऊंचा बोलिएगा म्यूजिक की वजह। क्या करते हैं? आई एम सिंगर। ओके वेरी नाइस, यहाँ पे भी सिंगिंग के लिए आए? जी एग्जैक्टली। गुड, चले जी मुझे बताएं जो सीजर है कैंची वो किसने ईजाद की थी? आई हैव नो आईडिया अबाउट दिस। ओ क्या सुनाओगे? सिंग सॉन्ग? हाँ गाना सुन सकते। मतलब का सुना दो। ओके इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं तुम उधर जाना, उम्मीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहां छोड़ू मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे आजा दिल की जमीन में तू। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए किसका ये सॉन्ग? वेरी मच हरिहरन साहब। लाहौर न्यूज लौरियां दी जाड़े इंडियन सॉन्ग। वेरी नाइस, ग्रेट जी, बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी भाई, मज़ा आया, मगर मेरा कोई ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान उन टप्पों की तरफ जो डीजे बज रहे हैं। आई लव टप्पे, आई लव मस्ती और द गर्ल्स द वे दे आर जस्ट डांसिंग, तो मेरा ध्यान सारा उधर था, मैं ये गज़ल नहीं सुन रही थी, तो ये आप लोग ही जज करेंगे कि ये कैसी थी। और जी बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा शुगल मुल लग रहा है यहाँ पे, और भी जो है वो मजीद जो बच्चे हैं उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया आवाज? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, वो कंफ्यूज हो गई ना आपको देख के। क्यों? मैं आपकी फैन हूँ ना बहुत बड़ी, तो आपको लाइव पहली बार देखा मैं। अच्छा ठीक है, आपका नाम? महविश स्नाबिल सहरिश। यार तुम लोगों के इयररिंग्स बड़े प्यारे, कहाँ से लिए? ये हमने लोकल मार्केट से लिए हैं, बड़े कलर बड़े प्यारे। ओके जी, चारों दोस्तों जी क्या क्या पढ़ रहे हो? मैं BS ऑनर्स कर रही हूँ बॉटनी में। मैं भी बॉटनी में, बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस। ओके ये बॉटनी में क्या क्या पढ़ाते हैं? प्लांट्स के बारे में, उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। बोरिंग नहीं है? बोरिंग लगता है स्टार्ट में, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ओके जी, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? यस। सवाल करिए जी। मुझे बताओ कि
دنیا زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر آج تک بارش نہیں پڑی؟ آج تک کبھی نہ کبھی تو پڑی ہے. کوئی آسان سا پوچھ لیں. آسان سا پوچھیں. ایک عام انسان جو بیمار نہ ہو اس کے ایک دن میں سر کے کتنے بال گرتے ہیں؟ 100 to 20 میکسیمم. 20 to 100 ہو سکتا ہے, 100 to 20 نہیں ہو سکتا. نہیں, 40%. Oh no. 40%? 40% تم روز گنجی ہونا چاہتی ہو؟ نو. چلو چھوڑو, تم لوگوں سے نہیں ہوگا. کیا سنانا ہے؟ سانگ سنا دو. تم میرے ہو اس پل میرے ہو, کل شاید یہ عالم نہ رہے, کچھ ایسا ہو تم نہ رہو, کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے, یہ راستے الگ ہو جائیں, چلتے چلتے ہم کھو جائیں. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے ڈانس شانس کیے. یہ گیم تھی یہاں پر. کیا گیم تھی؟ یس, وہ کوئی ٹاسک دیتے تھے, ہمیں پرفارم کرنا پڑتا تھا, اس کے بعد تب جا کے ڈانس. اکیلے میں کیا, کمرے میں جا کے ڈانس؟ کمرے میں نہیں, مطلب گراؤنڈ میں اپنی فرینڈ سرکل میں. بھنگڑا ڈالا جی سانگ پہ. یہ نچ پنجاب. نچ پنجاب. اوئے نچ پنجاب. چلو جی انجوائے کریں جی. بڑی پیاری پیاری بچیاں تھیں اور انہوں نے نچ پنجابن, نچ پنجابن پہ جو ہے وہ بھنگڑا ڈالا ہے. اور بڑا مزہ آتا ہے جب میوزک لگا ہو, موسم اچھا ہو, خوب جو ہے وہ آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا, مزہ کسی بھی چیز کا ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ کا موڈ اچھا ہو. اور یہاں پہ اتنے سارے کلرز ہیں کہ ان کلرز کو دیکھ کے آپ کا جو موڈ ہے وہ ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں نے اپنے پروگرام میں 1000 of time بتایا ہے کہ کون کون سے کلر ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے. تو ادھر بہت سارے کلر ہیں. ویسے میں نے گیس کیا ہے کہ یہاں پہ گرین اینڈ یلو زیادہ ہے. خیر آپ بھی نوٹس کریں کہ آپ کو یہاں پہ کون سا کلر زیادہ نظر آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ صالحہ. صالحہ کیا کرتی ہو؟ آئی ایم فل اسکالر. واو, مزہ آ رہا ہے؟ بہت. انجوائے کیا؟ بہت زیادہ. کیا 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 یہاں پہ؟ بس آئے ہیں, جولری مجھے بہت کریز ہے, جولری کا جولری لی ہے, کچھ کھایا پیا ہے, اور آپ سے مل کے دور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ, مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے. مجھے بتاؤ جھولے لیے؟ جھولے نہیں ملی تھی, جولری ضرور لی ہے. جولری لی ہے. ریٹ صحیح ہیں یا مہنگے ہیں؟ بس اسٹوڈنٹس کے لیے تو آبویسلی یو نو تھوڑا سا ہوتا. چلے جی سوال کرتے, ٹھیک ہے؟ شیور. مجھے بتاؤ آپ کہ وہ دنیا زمین کا وہ کون سا حصہ جہاں پر آج تک بارش نہیں پڑی؟ آئی گیس کوئی آئی لینڈ. ہاں سوچو. کوئی افریقن پلیس ایز فار آئی نو. سوچو جہاں بارش نہیں پڑی. کوئی آئی لینڈ ہوگا. کیا سناؤ گی؟ سونگ. قسم ہے قسم کی قسم سے ہم کو پیار ہے صرف تم سے. قسم ہے قسم کی قسم سے ہم کو پیار ہے صرف تم سے. اب یہ پیار نہ ہوگا پھر ہم سے. قسم ہے قسم کی قسم سے ہم کو پیار ہے صرف تم سے. ایکچولی آئی ایم اے گریٹ گریٹ فین آف شریا گھوشال, تو یہ میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اوکے, سنگر بننا چاہتی ہو؟ اگر میں سائنٹسٹ نہ ہوتی تو میں سنگر ہوتی. گھر میں کس کی اجازت ہے؟ گھر میں میرے فادر مجھے روز ڈانٹتے کہ پلیز بیٹا سنگر بنو. اچھا بن جاؤ. یس ان شاء اللہ آئی ایم فل کم. جیسے اگر پیرنٹس کی طرف سے اجازت ہے پورا سپورٹ. ان فیکٹ روز ڈانٹ پڑتی ہے کہ بیٹا آپ سائنٹسٹ چھوڑو سنگر بنو. ویری نائس, آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ان شاء اللہ ضرور, ان شاء اللہ. گڈ, دونوں کام ساتھ لے کے چلو. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے کے. تھینک یو. لاہور نیوز. یو ویلکم جی. انہوں نے بتایا کہ ان کے فادر کی طرف سے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. دس از ون آف دا ویری نائس تھنگ. اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ بیٹا, پاپا ان کے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑو سائنٹسٹ بننا, سنگر بن جاؤ. نہیں, یہ بھی غلط ہے.
आप पढ़ाई ज़रूर करें। मैंने आपको बार बार कहा है पढ़ें पढ़ें पढ़ें, पढ़ाई स्टडी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, आप कितने मर्जी सक्सेसफुल हो, हर चीज़ आपसे ली और छीनी जा सकती है दुनिया में। यू नो, आपका पैसा आता है जाता है, स्टेटस आता है जाता है, शोहरत आती है जाती है, मगर आपका इल्म आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई चीज़ आपसे आपका नॉलेज नहीं वापस ले सकती। सो इल्म हासिल करो, जैसे कि हमारे इस्लाम में है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। सो स्टडी कम्स फर्स्ट। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमाइमा सजाद। क्या करती हो? मैं FSC कर रही हूँ, प्री मेडिकल। तो बड़ा अच्छा बना। थैंक यू। अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका शो रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए जी, सवाल करें आप। थैंक यू। ओके, मुझे जल्दी से आप ये बता दो, सवाल ही भूल गई मैं। चलो तो मुझे बता दो, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क किस मुल्क में है? अमेरिका। के पास है मुल्क? इस्तांबुल। वो अमेरिका के पास है? कोई हाल नहीं कुड़ी है। कोई इजी क्वेश्चन पूछ लें। इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चले आप मुझे बता दें, इजी सवाल कर लेते हैं। वो कौन सा जानदार है जिसको वॉमिट कभी नहीं आ सकती? वॉमिट नहीं आती, अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी हो। बिल्ली को तो आती है, बहुत आती है। सॉरी, क्या सुनाओगी? गाना। बातें तेरी करते हुए थके सो जाती हूँ, सिराने आसमां जाने कहाँ मिल जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां। थैंक यू। वेरी नाइस, गुड। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। हाय, अब तो मैं थक गई हूँ, मुझे भूख भी लग गई है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से क्या खाऊँ। यहाँ पे जो है बहुत मिट्टी उड़ रही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि सफाई वाली चीज़ें हैं या नहीं। खैर देखते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो वो हम खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आपको जो है वो तंग करते हैं ताकि आपको भी क्रेविंग हो और आप भी अपनी गाड़ी पकड़ें, और या जो पकड़ना है पकड़ें, वरना पैदल निकल जाएं और जाके गोल गप्पे वगैरह खाएं, तो हम आपको भी दिखाते हैं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिजा। अरूबा आबेद। कौन सी क्लास? आई एम डूइंग MPhil फ्रॉम LC। आई एम डूइंग फैशन डिजाइनिंग। ओके, दोनों के कुर्ते सेम है, कलर डिफरेंट? यस। कहाँ से लिया? खाड़ी। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, दोस्त काफ़ी पक्की हो? हम एक्चुअली कजन्स भी हैं। ओके, इनकी ना कोई एक अच्छी आदत बताओ। इनकी दिल के बहुत साफ है। और एक बुरी? गुस्सा बहुत करती है। सवाल करते हैं, ठीक है जी। मुझे बताएं आप, दुनिया का वो कौन सा पहला कलर था जो सबसे पहले इजाद हुआ था? वाइट। वाइट इज नॉट अ कलर। ट्रांसपेरेंट जो कलर ही नहीं है, कलर था ना। कलर मीन्स कलर। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक। अच्छा, मैं कंफ्यूज कर रही, जो जवाब आपने दिया उनमें से एक है। वाइट, रेड, ओके, ब्लू। ब्लू। क्लैपिंग करें। क्या सुनाना है? हम गाना सुनाते हैं। सुनाने की आवाज़ तो हमारी अच्छी है नहीं, लेकिन गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
जी इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया। और अच्छा अब जो है वो मैं क्योंकि बोर हो रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ ये अब इतनी सारी लड़कियाँ ने कहीं तो ठिकाने लगाना है तो इनका जो इनकी जो है वो एक्टिविटी कराई जाती है ठीक है। इनसे या तो भगवाते हैं या इनसे हम सिट एंड स्टैंड करवाते हैं या रस्साकशी करवाते हैं कुछ इनसे जो है वो अब एक्टिविटी करवाते हैं। इनसे पूछते हैं ये कैसी है एक्टिविटी में तो एक्टिविटी से ये होगा कि जो फन भी है वो क्रिएट होगा और वो हम लोग तो इन्जॉय करेंगे ये लोग भी इन्जॉय करेंगे। जी नाज़रीन टाइम हो गया है फिर से एक शॉर्ट ब्रेक का लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक से दोबारा से जो है ब्रेक से जो है हम लोग वापस आ गए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। ब्रेक में भी मैंने जो है वो काफ़ी जो गोल गप्पे वगैरह जो है वो खाए हैं और बड़े मज़े के थे तो अब हम लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? आयशा रहमान। लारे बजाज। क्या करती हो? मैं कनेट सेंटर कर रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हूँ? खंदर में आई हूँ। ओके आप? आयशा। मैं फर्स्ट ईयर। ये आपकी क्या बेस्ट फ्रेंड इसलिए लाई हो? मेहंदी लगवाई? हाँ जी। किसने लगाई? वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। आप पैसे ले 50? ठीक है चलो जी सवाल करें पहले। वैसे मुझे बाद नहीं आएगा। लग भी मुझे रहा है। ओके मुझे बताओ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 300 सॉरी 302 इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करो तुम ना करना। क्या सुना गाना? तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम तूने ही दी है बना तेरा मेरा रिश्ता पुराना। वेरी नाइस यू वेलकम गर्ल्स। जी उन्होंने जो वो है क्लैपिंग की उनने के लिए मैंने उन्हें कहा तो मैंने कहा पता चले इसके जो हाथ की वो मेहंदी है वो चिपक जाए आपस में फिर वो गए हाय अल्लाह ये क्या करवा दिया मिस अलीना ने मेरे साथ है। जी अब जो है मैं मुझे लगता है कि हमारा जो है वो अब हम एंड की तरफ आए और बस अब एक कोई एक्टिविटी करवाएं मज़े की कोई अच्छी सी एक्टिविटी हो जाए उसके बाद वाइंड अप करें तो आए एक्टिविटी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? निम्रा। आपका? मरियम। कौन सी क्लास? 9th एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर। ये आपकी कज़न? साथ लाई हो? हाँ जी। मज़ा आया? बहुत। ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत कमाल का लगा है कि फेस्टिवल्स है थोड़ा इन्जॉय हो जाता है पूरा साल पढ़ते रहते हैं थोड़ा सा हो जाता है कि भाई इन्जॉय कर सके हम ये अच्छा मौका देते हैं हमें यूनिवर्सिटीज वाले। चलो मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता? Sorry. I have no answer. ओके ठीक हो गया। चलें जी मैं जो है वो क्या नाम है इसके बाद अब आप लोगों से जो है वो एक्टिविटी करवाती हूँ ठीक है? सिटअप्स करने ओके कर लोगे? हाँ ये तो नहीं खराब नो नो बीमार से मार नहीं 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 पक्की कर एक्टिव चलो फिर 1 2 3 गो 3 काउंट करो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बड़ी हिम्मत है बस करो मुझे लगता है बड़ी सजा मिलती है क्लास नो वैसे ही एक्टिव नहीं वैसे ही ये तो चलता ही है। वेरी नाइस है पता है तुम लड़कों की नस्बत ज़्यादा एक्टिव हो जब हम मॉल्स वगैरह में लड़कों से करवाते हैं तो वो तो धो के बाद ही ऐसे ऐसे करके करना शुरू कर देते हैं
कुछ तो इतने फनी होते हैं, बैठते हैं उनसे ऐसे ऐसे करके उठाना पड़ता है. सो यू गाइज आर नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के देखें. वेलकम जी, बड़ा मजा आया जी. फाइनली मैंने जो है वो एक्टिविटी करवाई और आज तजर्बे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि लड़के जब हैं वो सिटअप्स करते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं ऑलमोस्ट. उनकी जो है वो जाने निकल चुकी होती हैं, हाथ उनकी टांगे कांप रही होती हैं, बहुत फन होता है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाम? राबिया. इफ्राइसान. क्या करती हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ ICS. BS. BS. मजा आ रहा है यहाँ बहुत ज्यादा. हम लोग कब से इतना फन करें, इतना ज्यादा मजा आ रहा है और अब आपको देख इतना एक्साइटेड हो गए कि नहीं आपसे मिलने 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 बात करनी है. ओके जी, तो सवाल करें. हाँ श्योर. रेडी हैं? यस. दुनिया का सबसे बड़ा पार्क किस मुल्क में है? पार्क सऊदीया. लाहौर. शानदार. इंदाही का पार्क. दुनिया का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का. टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. नहीं पता. सबके मिला के बड़ा पार्क बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर आते हैं. सच्ची बताऊं 70. क्या सुनाना? इसे सॉन्ग सुनाना. तुम मेरे हो इस बल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे. तुम मेरे हो इस पल मेरे रहो, कल शायद ये आलम ना रहे. ये रास्ते लग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी. जी हमने जो है वो एक बड़ा अच्छा सा जो है वो गाना सुना, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी कुछ भी हो जाए. वो जो कहने को रेडी है पहले ही मैं तुमको चाहूंगी, पहले ही अगर आप ऐसी बात करेंगी तो फिर अगला बंदा तो चौड़ हो जाएगा. तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी हो मैं तुमको चाहूंगी. कहो भाई अगर तुम अच्छे रहोगे तो मैं तुमको चाहूंगी, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो आउट. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम? अरिश्पा सुल्तान. उकपा सुल्तान. सुमाइका. क्लास? ये 9th 10th क्लास. BFA इंटीरियर डिज़ाइन. 8. मज़ा आया आज? बहुत मज़ा आया. खुश हो? हाँ जी. ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए. yes. चलिए जी सवाल करें. यस yes. मुझे बताएं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 309. राइट. क्लैपिंग करें. 302. क्लैपिंग करें. क्या शेयर करें? जी इन्होंने जो है वो एक बीट बॉक्सिंग की थी, ठीक थी बस. अभी आई थिंक उसका स्टार्ट है तो इतनी वो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन अगेन मैं कहूँगी शी वॉज कॉन्फिडेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट. जी नाज़रीन आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ा किया और मेरे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, मगर आप देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई हैं क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी बारी अभी तक नहीं आई थी. मैं क्या कर सकती हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो बारी आ सके. खैर आज के जो हमारे वो दो सवाल हैं उनमें से जो एक सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्क किस मुल्क में है. तो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो कैनेडा में है और बच्चा जो है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं. तो जब इंसान जब बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, मगर जब वो पैदा होता है तो उसकी बॉडी में तकरीबन 300 से थोड़ी सी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं. अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है क्योंकि बच्चा जो है वो सही चल नहीं पाता, बहुत सारे एंगल में इस तरह करके वो गिर जाता है, तो अगर उसकी हड्डियाँ बड़े बच्चों की हड्डियाँ की तरह होंगी तो उसको चोट लग जाएगी, वो क्रैक हो जाएंगी. तो इसलिए उसकी बॉडी में 206 से ज़्यादा हड्डियाँ दी जाती हैं ताकि वो किसी भी एंगल में गिरे उसको जो है वो चोट ना आए. बेशक कि अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, अल्लाह पाक हर चीज़ को बेहतर जानता है, उसके मुताबिक अल्लाह ने बना दी हैं.
तो जी अब मैं लेती हूँ इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखना, इसी तरह गाइस माय फैंस मुझे प्यार करते रहना, और अब दे दो मुझे इजाज़त क्योंकि मुझे जाना है घर। तो प्रोग्राम बूझो तो जीते देखना थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे ओनली ऑन लाहौर न्यूज़ पर। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।